हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। हमारे पे सिर्फ कुछ चावल ये बचे हुए हैं, आज हम सोच रहे हैं फ्राइड राइस बनाने कुछ। हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है। दिस इज़ टमाटो, ऑनियन, शिमला मिर्च है, ये अदरक और लहसुन कटे हुए हैं बारीक, और ये लाल मिर्च है, सॉरी ये हरी मिर्च है। और आगे की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया। अब इसके बाद हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा। ये जीरा डाल दिया थोड़ा सा फ्राई होने के लिए। ये हमने प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा शिमला मिर्च इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च हमने डाल दिए। थोड़ा सा इसको 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्च अदरक का सब पेस्ट थोड़ा थोड़ा पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान फ्राइड राइस मसाले के साथ। देखिए गाइस, हमने टमाटर डाल दिया है और टमाटर डालते ही हमारा पहला काम होगा नमक ऐड करना। अब हम स्वादानुसार थोड़ा नमक डाल देंगे इसमें। ये हमने नमक ऐड कर दिया है, इससे सब्जी अब थोड़ी जल्दी गल जाएगी। इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे और फिर इसमें कुछ मसाले डालेंगे। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस 1 चम्मच, और करीब 1 चम्मच आधा ढक्कन के करीब हमने सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया। और फिर डालेंगे इसमें विनेगर सेम 1/2 चम्मच, आधा ढक्कन हमने डाल दिया विनेगर। और इसी में जाएगा थोड़ा सा किसान टमाटो सॉस। अब ये किसान टमाटो सॉस जा रहा है अंदर। हम इसमें ऐड करेंगे शेजवान की फ्राइड राइस चिंग्स की। इसमें हम डाल रहे हैं फ्राइड राइस के मसाला। अभी फ्राइड राइस का मसाला प्रिपेयर हो चुका है। नाउ वी आर एडिंग राइस, जो पका के रखा हुआ हमने राइस। ये राइस जा रही है और ये हमारी ऑलमोस्ट फ्राइड राइस बनके तैयार है। इसे सही से मिला लेते हैं और इसको धनिया से पहले गार्निश कर लेंगे। और इसमें हमने ऐड कर दिया है धनिया, हरी धनिया ऐड कर दिया, इसकी खुशबू अच्छी हो गई है। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ये ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। और ये हमारा फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें सारी सब्जियां गल चुकी हैं। इसमें राइस वाइस पहले से बना हुआ था, धनिया से गार्निश किया है। आप अपने घर पे बनाइए और बताइए डिश कैसी लगी।